हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे साथियों को माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड इश्यू हो या मेडिकल के बाद में आपके जो रिजेक्शन स्लिप आ गए थे। उस समय भी काफ़ी कैंडिडेट्स माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, री मेडिकल में अनफिट होने के बाद भी गए और वो फिट हो गए। देखिए, मेडिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई या कहीं भी ये था कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ, तो आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और वो जो गए कैंडिडेट्स, वो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जीते हैं वहाँ से, मैक्सिमम मेजोरिटी में। और बहुत खुशी हमें भी होती है कि जब हम किसी कैंडिडेट को गाइड करते हैं और वो जीत जाता है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी हमें भी होती है कि उन्होंने हम पे यकीन किया और वो जीत गए। अब देखिए, यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का, हमारा आसाम त्रिपुरा स्टेट जो है इनका, या हमारे नक्सल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा इस भर्ती में है कि जब पूरे स्टेट के लिए 165 हाइट है, तो उन 165 से 170 के बीच वाले कैंडिडेट्स को जर्नल में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, यूआर कैटेगरी में उनको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि उन्होंने एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया। उनको रिलैक्सेशन चेस्ट में और हाइट के रिलैक्सेशन की वजह से उनको जर्नल कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, और इसी वजह से हमारे चाहे त्रिपुरा की हो, चाहे आसाम की हो, चाहे नक्सल क्षेत्र हैं हमारे वहाँ की हो, यूआर की कट ऑफ जो है वो रिजर्व कैटेगरी से कम रह गई। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जब वैकेंसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ईयरमार्क की गई है, वैकेंसी जो है वो राज्यवार है, और पूरे राज्य को जब छूट दी जाती है कि पूरे आसाम स्टेट को 165 हाइट आसाम स्टेट के लिए रखी जाएगी, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये बनता है कि यदि 170 हाइट वाले कैंडिडेट्स आसाम में नहीं मिलेंगे, तो क्या आसाम के भर्ती जो है वो खाली चली जाएगी, क्या आसाम की वैकेंसी खाली चली जाएगी, और खाली चली जाती है तो फिर क्यों छूट दी जाती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट, लीगल पॉइंट जो है इस पूरी प्रक्रिया को इलीगल घोषित कर दे, ये पॉइंट देखिए। अब इसको फाइट करना जो है वो आपका काम है, आपके एडवोकेट हैं वो आर्ग्यू करेंगे, फोर्स के एडवोकेट जो हैं वो इसको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट वहाँ खड़े होते हैं वो इसको काउंटर करेंगे, माननीय न्यायाधीश महोदय दोनों की बात सुनेंगे, और किसके पक्ष में फैसला जाता है, फैसला करना माननीय न्यायाधीश महोदय के हाथ में है। देखिए, 7 कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की, किस पॉइंट पर, ये जो यूआर का पॉइंट है, जनरल कैटेगरी का पॉइंट है, 165 हाइट वाला जो पॉइंट है, इसको लेकर चैलेंज किया, और इसमें 5 तारीख को, 5 अप्रैल को इनका जो पहला ऑर्डर है वो हुआ है। उस दिन भी हमने आपको बताया था, लेकिन उस दिन फैसले की कॉपी नहीं मिली थी। आज हम आपको ऑर्डर की कॉपी भी आपको दिखाते हैं और क्या लिखा है उसमें वो भी आपको दिखा देते हैं, और 7 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के नहीं फिल करने का आदेश कर दिया गया है। अब वो कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट यदि, क्योंकि आपको पता है बीएसएफ में, आसाम राइफल में, सीआरपीएफ में, इनमें ज्वाइनिंग हो चुकी है, यदि वो ज्वाइन कर गए हैं तो उनका क्या होगा, अब वो तो देखिए समय बताएगा, ज्वाइन कर चुके हैं, अभी इनकी अगली तारीख कब है, अगली डेट से पहले क्या कार्यवाही होगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों, बड़े डाउट आपको रहते हैं कि सबसे बड़ा डाउट तो कोर्ट केस के संबंध में यह था कि मैं कोर्ट केस में रिट याचिका लगाऊंगा, पता नहीं इसमें कितना समय लग जाएगा। तो देखिए, वो समय जो है कितना समय लग जाएगा, ये ऐसे सर्विस मैटर हैं कि ये बहुत जल्दी होते हैं फैसला। ये देख सकते हैं आप, ये रिट नंबर है WPC, ये रिट नंबर है। इस रिट नंबर से आप माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट की साइट पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, पूरा ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ये कैंडिडेट्स हैं जिनके एड्रेस देखिए हमने हाइड कर दिए हैं। यदि इन कैंडिडेट्स में से किसी का नंबर आपको चाहिए, तो इन्होंने खुद से, इन कैंडिडेट्स ने हमें कहा है कि हम इनका नंबर आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। अब देखिए क्या लिखा है फैसले में, वो आपको दिखा देते हैं। हियर्ड मिस्टर आरपी काकोटी लर्नेड सीनियर काउंसिल, असिस्टेड बाय मिस्टर एस सूत्रधार लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स, आल्सो हियर्ड मिस्टर के पराशर लर्नेड सीजीसी फॉर द रेस्पोंडेंट्स। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड इशूड एन एडवर्टीजमेंट डेटेड 21 जुलाई 2018
इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन CAPF NIA SSF एंड राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल 2018 कंडक्टेड इन ऑल इंडिया बेसिस। ये पूरा डिटेल बताया उसका। द पिटिशनर्स हु हैड अप्लाइड एज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अंडर OBC एंड SC कैटेगरी, इसमें कुछ कैंडिडेट्स OBC के हैं, कुछ SC के भी हैं, क्लेम दैट दे हैड बीन अवार्डेड मोर मार्क्स देन द लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी इन फोर्स द लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज ought to have treated the petitioners as candidates of unreserved category against the respective votes applied by them because the petitioners had not availed any relaxation available. As relaxation इन्होंने नहीं लिया था, इसलिए इनके एडवोकेट ने ये दावा किया है कि इनको unreserved category में शामिल किया जाना चाहिए। Available to the reserved category candidates while submitting their applications, accordingly the petitioners have फाइल द प्रेजेंट रिट पिटिशन। इस आधार पर यह रिट पिटिशन फाइल की गया है। लेट अ नोटिस रिटर्नेबल ऑन 10 May 2021 बी इशूड। नोटिस इशू हो गया है कि 10 May 2021 को इनकी नेक्स्ट डेट होगी। एज द लर्नेड CGC एक्सेप्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेस्पोंडेंट्स। रेस्पोंडेंट्स कौन है इसमें? भारत सरकार है, इसके अलावा जो SSC है, CRPF है, ये सभी फोर्सेस जो हैं वो इसमें, CRPF चूंकि नोडल एजेंसी है इसलिए CRPF इसमें पक्षकार बनती है। द पिटिशनर्स क्लेम टू बी ट्रीटेड एट पार विद द अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स थो बिलोंगिंग टू SC और SC कैटेगरी एंड इट इज सबमिटेड एट द बार दैट व्हाइल अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट द पिटिशनर्स हैड नॉट क्लेम्ड बेनिफिट ऑफ एनी एज रिलैक्सेशन और अदर रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC एंड SC कैटेगरी। मेन पॉइंट जो हमने आपको पहले बताया, देखिए मेन पॉइंट इसमें हमारा ये है कि जब पूरे आसाम के लिए जो 165 हाइट है, पूरे त्रिपुरा के लिए हाइट में छूट दी गई है, पूरे नक्सल एरिया के लिए हाइट में छूट दी गई है, तो URSC ST OBC वाला पॉइंट क्लोज कहाँ से लगता है? अब इसमें लास्ट में कहा क्या कहा गया है, द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड नोट टू फिल अप 7 पोस्ट्स ईयर मार्क फॉर कैंडिडेट्स। देखिए 7 पदों को नहीं भरने का आदेश दे दिया गया है, यानी कि 7 कैंडिडेट जो लास्ट सेलेक्ट वाले हैं UR कैटेगरी में, उनकी ज्वाइनिंग जो है वो अभी रोकी जाएगी। और यदि वो ज्वाइन हो गए हैं तो क्या होगा उसका निर्णय फोर्स आगे करेगी। क्या होगा? फ्रॉम आसाम इन द कैटेगरी ऑफ अनरिजर्व पोस्ट्स टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग देयर आफ्टर दिस ऑर्डर शैल नॉट बी ए बार फॉर फिलिंग अप एनी अदर पोस्ट्स लिस्ट ऑन 10 May 2021, यानी 10 May 2021 को इनका लिस्ट होगा दोबारा। तो देखिए दोस्तों, हम बार बार आपको एक बात कहते हैं कि यदि आपको कहीं भी लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आपको फाइट करना होगा। बिना फाइट करे आप उम्मीद रखते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये कैसे संभव है? तो डरना नहीं है, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, चाहे ये न्याय की जंग हो, चाहे वर्दी की जंग हो, कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।